कोरोना संक्रमण की वजह से इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन जारी है जो कि 14 अप्रैल तक चलेगा। लॉकडाउन की वजह से देश में पहली बार भारतीय रेल के पहिए थम गए हैं और ट्रेन नहीं चल रही। 14 अप्रैल के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन IRCTC ने 3 ट्रेन की सीटों की बुकिंग पर रोक लगा दी है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। IRCTC ने तेजस ट्रेन और एक काशी महाकाल एक्सप्रेस में सीटों की बुकिंग पर 30 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। भारतीय रेल कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि देश में विषम परिस्थितियों को देखते हुए अभी 3 ट्रेन में बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि बीते मार्च महीने में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियातन IRCTC ने अपने सभी फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार केंद्र और रसोई को पूरी तरह से बंद कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या 4000 से ज्यादा हो चुकी है और 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।